वेलकम स्टूडेंट्स। सो 10th क्लास हम स्टडी कर रहे थे लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हमने लास्ट जो लेक्चर था रेस्पिरेशन पे थे अपने दोनों लेक्चर। रेस्पिरेशन में आपको रेस्पिरेशन के जो टाइप्स थे एरोबिक एनारोबिक उनकी इक्वेशन आपको बताई थी। आज का जो टॉपिक है अपना वो है रेस्पिरेशन और कंबस्शन के बीच में डिफरेंस। देखो दोनों ही में ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे कंबस्शन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है वो आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, अकर्स इन सीरीज ऑफ केमिकल, ठीक है, ये एक स्टेप है, सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप। केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती है काफी सारी, जबकि कंबस्टन के अंदर सिंगल स्टेप होता है। यहां पे काफी स्टेप नहीं होते, यहां पे सिर्फ क्या होता है एक ही स्टेप के अंदर कंबस्टन हो जाती है, एक बार में कोई चीज जलनी है जल जाती है। कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के अंदर, कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स। रेस्पिरेशन के अंदर अलग अलग एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं, जबकि यहां पे क्या होती है कैरिड आउट बाय हीट, ये किसी होती है हीट से, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया हीट दी तो उससे वो जलने लग जाती है। नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्पिरेशन का, नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या क्या रिलीज होती है, एक तो एटीपी रिलीज होती है आपको बताया था पहले, और एक थोड़े अमाउंट में क्या रिलीज होती है हीट, हीट और एटीपी स्टूडेंट्स यहां पे रिलीज होती है, हीट एंड एटीपी। नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट एंड एटीपी यहां पे रिलीज होती है। यहां पे क्या है लाइट इज प्रोड्यूस्ड, यहां पे लाइट ही प्रोड्यूस होती है, हाई अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। ये दोनों में बहुत मेन डिफरेंस है, यहां पे क्या है एटीपी एंड हीट, यहां पे क्या है लाइट एंड हीट, और हीट हाई अमाउंट में। रेस्पिरेशन में हीट जो होती है वो क्या होती है एक लो अमाउंट में रिलीज होती है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है एक सेलुलर प्रोसेस, सेल्स के अंदर होता है, और ये क्या होता है एक नॉन सेलुलर प्रोसेस, कंबस्टन सेल में नहीं होता, सेल के बाहर है ये, पूरे कोई भी फिजिकल बॉडी के बाहर की बात कर रहे हैं। अकर्स एट द बॉडी टेम्परेचर, ये विद इन द सेल हो रहा है, जैसे ह्यूमन की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, तो इसके ऊपर ये एक्टिविटी जो रेस्पिरेशन की होती है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन होती है, और इसमें चेंज आने से भी रेस्पिरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो हम हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे भी कैसे पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होती है, जबकि हीट क्या होती है ये जो कंबस्टन होती है ये क्या होती है हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे, क्योंकि कोई भी चीज जल्दी शुरू कब करेगी हाई टेम्परेचर पे शुरू करती है, थोड़े टेम्परेचर पे 50 डिग्री तक भी बहुत सारी जो वस्तु होती है वो जलना स्टार्ट नहीं करती, ठीक है। तो एक हाई टेम्परेचर की इनकी जरूरत होती है। तो रेस्पिरेशन और कंबस्टन में स्टूडेंट्स डिफरेंस है जो आपने स्टडी करने हैं। अब इसमें एक हम टॉपिक छोटा सा एड और कर देते हैं, जो कौन सा है, जब आपको रेस्पिरेशन में आपको बार बार एक चीज बताएगी एटीपी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है, तो एटीपी का भी यूज कैसे होता है, ठीक है, और एटीपी होती क्या है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी यहां पे बन रही है। अब एटीपी क्या होती है, एटीपी हाइड्रोलाइज होती है ड्यूरिंग द, हमें जब रिक्वायरमेंट है एनर्जी की तो ये क्या हो जाती है एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। एडीपी क्या है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एटीपी में तो फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल है, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, एडीपी में कितने हैं दो, तो ये बॉन्ड जब ब्रेकडाउन होता है इन दोनों का, आपको पता है बॉन्ड बनता है तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो टूटेगा तो एनर्जी रिलीज भी होगी, तब यहां से बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, तो नियर अबाउट एक बॉन्ड ब्रेकडाउन होने से 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है।
ये एनर्जी हमारे जो अलग अलग लाइफ प्रोसेस होते हैं, अलग अलग लाइफ एक्टिविटीज होती है, उनको करने के लिए यूज होती है। अब ये जब मान लो जब अब आप फूड खा रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन जब ठीक है, एनर्जी स्टोर करनी है, ये तो यूज हुई है ना, रेस्पिरेशन में तो पहले ये तो यूज होगी। अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो हमारी बॉडी के अंदर जब एडीपी है और एक हमारे अंदर पाइरोफॉस्फेट होगी, जब एनर्जी मिलेगी तो ये जब हमारी सेल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये जो टूट गई है, जब एनर्जी इसको मिलेगी तो इनके अंदर वापिस बॉन्ड बन जाता है और ये क्या बन जाती है, एटीपी। ये रेस्पिरेशन के दौरान फॉर्म होने वाली एटीपी है और ये रेस्पिरेशन के बाद जब हम एनर्जी को रिक्वायरमेंट देते हैं उस टाइम ये ब्रेक डाउन होती है एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर और हमारे को एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस है एनर्जी जो एटीपी बनने का और एटीपी से एनर्जी रिलीज होने का। तो स्टूडेंट्स एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका हाइड्रोलाइज होने पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, हमारी सेल्स के अंदर ही रहता है। इनका बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है, एक बॉन्ड से लगभग कितनी होती है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी हम लाइफ प्रोसेसेस या अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर यूज करते हैं। और जब हम दोबारा रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू होती रहती है, वहां पे एनर्जी फिर रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या करती है कि बीच में बॉन्ड फिर से बनाती है, उसको वापस एटीपी बना देती है। तो ये प्रोसेस है अपना रेस्पिरेशन का। तो स्टूडेंट्स आपने आज इन दोनों में डिफरेंस और इसके बारे में स्टडी करना है और एटीपी एडीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके बारे में आपने स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।